नमस्कार दोस्तों दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर विभाग की तरफ से बड़ा नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों कौशल रोजगार निगम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके द्वारा सभी डिपार्टमेंट को, सभी कॉरपोरेशन को, सभी जो डिप्टी कमिश्नर है सभी को जो है, वो चाहे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हो, सभी को जो है वो आदेश जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों कौशल रोजगार निगम को लेकर जो है वो बड़ी अपडेट आई है। ज्वाइनिंग के लिए नोटिस जारी हो चुका है, जो साथी फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इसके अलावा पहले से कार्य कर रहे जो युवा साथी हैं उन सभी के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ है उसमें आप पूरी जानकारी जान पाएंगे कि किस प्रकार जो है वो कौशल रोजगार निगम जो है वो अब अपने जो अपर मोड लेवल का जो वर्क है अब वो कौशल रोजगार निगम करने वाला है। तो दोस्तों पूरी जो जानकारी आई है डिटेल से आपको इस वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम या हरियाणा से जुड़ी किसी भी प्रकार के अपडेट की जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिना टाइम लिए आज की जो अपडेट आई है सीधा उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी की सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कहां से ये लेटर भेजा गया है। तो ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कौशल भवन सेक्टर 3 पंचकुला, ये आप देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा जो है वो ये लेटर इश्यू किया गया है और किन किन को किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के उन सभी को ये भेजा गया है और जो हरियाणा स्टेट के जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एड है उन सभी को ये भेजा गया है। यहाँ पर डीसी को भेजा गया है, चाहे वो आपका कोई भी कमिश्नर हो, अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, सभी जो डीसी हैं उनको ये यहाँ पर भेजा गया है। रजिस्ट्रार जो आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है उनको ये भेजा गया है। इसके अलावा जो भी बोर्ड कॉरपोरेशन है इन सभी को ये भेजा गया है। यहाँ पर जो सीईओ हैं, जो किसी भी स्टेशनरी बॉडी के यहाँ पर चेयरपर्सन है उन सभी को भी ये भेजा गया है। इसके अलावा सभी रजिस्ट्रार जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी है उनको ये भेजा गया है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं इन दोनों को यहाँ पर जो है वो आदेश, यहाँ पर जो लेटर है ये सेंड किया गया है। ये मेमो नंबर आप देख सकते हैं कौशल रोजगार निगम का SDIT HKRNL, ये मेमो नंबर यहाँ पर इस प्रकार शुरू होता है और ये अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं 23/3/2022 की डेट है, ये निकल का ये लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट डिप्लॉयड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट की जो है वो ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट यानी कैंडिडेट कौशल रोजगार निगम में जो है वो ज्वाइनिंग के लिए जो आदेश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम हैज स्टार्टेड डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायराइजेशन रिसीव्ड ऑनलाइन थ्रू पोर्टल HKRNL इन वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज। तो इसका मतलब है कि सरकार के अनुसार जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है इस लेटर के अनुसार उसने जो है वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैनपावर जो डिमांड आई है ऑनलाइन पोर्टल जो HKRNL जहां पर जो है वो युवा आवेदन कर रहे हैं। तो जहां से भी जितनी जरूरत है अपने बेसिस के हिसाब से जितने रिक्वायराइजेशन है वो जो रिसीव्ड हुई है सभी गवर्नमेंट बॉडीज से, तो वहां पर जो है अब इन सभी को जो है वो डिप्लॉयमेंट यानी जो ज्वाइनिंग है यानी जो यहाँ पर इनको कार्य के लिए जो है वो जल्द ही इनको लेटर जो है वो भेज दिए जाएंगे और लगातार जो है वो ये सभी भेजे भी जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं द निगम इज रिसीविंग द रिक्वायराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर एंड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर थ्रू लेटर फ्रॉम द सेम गवर्नमेंट एंटिटीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई निगम के पास कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन पावर के लिए, तो वे सभी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिनकी भी होती जा रही है, जो चाहे पहले से कार्यरत कैंडिडेट हो या अब जो पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं, ये साफ कर चुके हैं कि जो भी यहाँ पर रिक्वायराइजेशन आई है कॉन्ट्रैक्टल मैन पावर के लिए
यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के मैन पावर के लिए जो आई है, तो सभी को यहाँ पर जो भी है जहां पर भी ज्वाइनिंग होगी वो यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ जो है वो कोई भी गवर्नमेंट इंटाइटल बॉडी है उसको यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप सभी को जो है इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो भी रिक्वायर्डाइजेशन है कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर की और जो एक्सेप्टेंस है ज्वाइनिंग रिपोर्ट की, वे सभी जो है वो डिप्लॉयड मैन पावर इज कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, यानी सभी जो है वो इस पोर्टल से ही उठाए जाएं और यहां पर जो नोडल ऑफिसर है उनके द्वारा यहां पर जो है वो आईडी पासवर्ड के द्वारा जो है वो कैंडिडेट को यहां पर जो उसकी ज्वाइनिंग की रिपोर्ट है वो सारी अपडेट यहां पर इस पोर्टल पर की जाए और यहां पर जो कैंडिडेट यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा उसका यहां पर जिस दिन भी उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी पोर्टल पर, या आप साफ देख सकते हैं डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ हिज ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑन दिस पोर्टल, ही विल बी पे वेज, यानी उसको जो वेज मिलेंगे वो उसके यहाँ पर जो जोन में बांट रखा है उस वेज के हिसाब से, जो उसके डिप्लॉयड मैन पावर के हिसाब से जो है वो उसको वहां पर उस हिसाब से जो है वो पोर्टल से सीधा यहाँ पर जो है वो जैसे उसका महीना पूरा होगा उसको वहां पर वेजी जो है वो कौशल रोजगार निगम के द्वारा उसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है जिसमें जो है वो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर चाहे वो पहले से कार्यरत कर्मचारी हो या जहाँ पर भी डिपार्टमेंट में जो जरूरत है उस हिसाब से जो कैंडिडेट पहले अब फॉर्म भर चुके हैं जिनकी अब जरूरत की डिमांड के हिसाब से जो है वो पोर्टल पर रिक्वायजेशन मांगी गई थी जो उनके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो उन साथियों में से भी बहुत सारे साथियों को अब जो है वो यहाँ पर 1 अप्रैल से हो सकता है आपको जल्द से जल्द जितने हो सके उतने आपको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जहाँ भी जरूरत है, अगर डिपार्टमेंट को आपकी सख्त जरूरत होगी तो यहाँ पर जो है वो अपना यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट कोई लेटर लिखा जा चुका है पहले ही कि जहाँ पर भी जो है वो किसी कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर की जरूरत है और अभी वो वैकेंट सीट है तो वो वहाँ पर कौशल रोजगार निगम से ही भरने का काम जो है वो डिपार्टमेंट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आगे इसको लेकर और कोई अपडेट आएगी आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।